एक छोटी सी बच्ची है, आप इनकी माँ हुई? मौसी हुई। तो ये छोटी सी बच्ची को लेकर आई हैं आप? हाँ, यहाँ पे जैसे कि अभी हमारे दादाओं ने कहा कि भाषा को लेके किस तरह से संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे झारखंड में जैसे कि देखा जाए तो हमारा खुद का लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं। अगर हम लोग एडुकेशन पे भी जाते हैं तो हमें कभी कास्ट को लेके या फिर जिस तरीके से बाहरी भाषा, मतलब जैसे कि हम एग्जांपल पे ले रहे हैं, किसी कहानी मानन नहीं कर रहे, जैसे कि बांग्ला हो गया, तो वो लोग अपने लैंग्वेज में बात करते तो उनका कोई नहीं। लेकिन अगर हम कभी अपने सारी लैंग्वेज पर, मुंडारी लैंग्वेज से कुछ बात करें, अरे कैसे, मतलब एक अजीब सा एजिटेशन क्रिएट किया जाता है, इरिटेशन क्रिएट किया जाता है। उस तरीके से हम लोग को हीन भावना था। हम लोग चाहते कि हमारा झारखंड जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो अलग से इतिहास रचा, हमारा अंग्रेज अभी ये सरकार से नहीं है बात, ये हमारे पूर्वज 1800 से ही लड़ते आ रहे हैं हमारे हक अधिकार के लिए, अलग से मांग करते आए, हमारे अलग से पहचान को संरक्षित करने का कोशिश किया। लेकिन आज जब अलग हो जाने के बावजूद भी हमें जो अपनी पहचान मिलनी चाहिए थी वो आज से कहीं मिली ही नहीं। आज हम देखेंगे हमारी खनिज संपदा है, आप देखेंगे हिस्ट्री आप देखिएगा उठा के तो उसमें देखिए कि भारत का जो खनिज संपदा जो यहाँ से 40% पे जाती है, लेकिन हमारा जो 40% में जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए आज कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया। किस वजह से पीछे रहा? कहीं के कहीं ना कहीं हमारा जो स्थानीय नीति होना चाहिए था जिसके वजह से हमें रोजगार मिलता, हमारे लोग पलायन नहीं करते, हमारा यहाँ पे संघर्ष जितना किया उनका उत्थान होना चाहिए था उनका परिवार का, तो कुछ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो भाषाविवादित हुआ या फिर नीति नहीं तय किया गया इसके वजह से हुआ। तो मैं इनके भाइयों की तरह से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आगे युवा है उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपना हक अधिकार को जाने पहचाने और आगे आए, और ताकि हमारा झारखंड आज जो अभी भी भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, गरीबी है, पलायन करते हैं, तो वो आगे आए और इस चीज़ को सही से हमारा झारखंड को उसको मार्गदर्शन करके एक विकसित राज्य का दर्जा बनाने में उनको मदद करें। ये जो क्या लग रहा है, ये जो आंदोलन छिड़ा है भाषा को लेकर, झारखंड पहचान को लेकर, 1932 खतियान को लेकर के, ये आंदोलन पहले से चल रहा है या अचानक से ये शुरू हुआ, या अचानक से लोगों में ये लगा कि नहीं अब झारखंड की पहचान और शिनाख्त के लिए लड़ना ज़रूरी है ताकि हमारे जो नस्ल छोटी बच्चियाँ जो आ रही है इनका जो मुस्तकबिल बनेगा वो मुश्किल में हो जाएगा? बिल्कुल, तो ये हमारा जो झारखंड, ये पहले से लड़ाई नहीं थी, हमारा पहले से बोल दिया गया था हमारे अंग्रेज सरकार से ही, हमें हक अधिकार है, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र लागू कर दिया गया 2007 में ही, और जैसे CNT एक्ट लागू कर दिया 1908 में, अंग्रेजी के टाइम से ही हमें अपना संरक्षण दे दिया गया था। लेकिन जानबूझ के यहाँ पे किस सरकार दबाव पे आ रही है, फिर किसके बात पे आ रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को जानबूझ के घुमा फिरा के हमारे अस्तित्व का दबाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे सरकार। तो सरकार जो अभी है हेमंत जी सरकार, ये तो कहती है कि हम तो यहीं की उपजीवी सरकार है, यहीं के आंदोलन की उपज की सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है, जल जंगल जमीन वाली पार्टी है, तो वो सरकार क्या इस बात को नहीं समझती है कि आदिवासियों मूलवासियों की जो पहचान है उसको छीना नहीं जा सकता है? देखिए यहाँ पे सरकार है बस वोट लेने के लिए, तो यहाँ पे जितना भी पार्टी है वो राजनीतिक बस गेम खेलती है, उनको वोट लेने से मतलब होता है और कोई काम, अगर काम किया होता तो आज हमारे यहाँ पे भाई बैठे हैं, वहाँ पे इतने सारे बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, उन यहाँ पे हमारे साथ बच्ची बैठी है, इसके साथ कुछ दिन पहले ये यहाँ की हम लोग रहती है यहाँ पे की इनका घर उजड़ने को था, नगर निगम इनको बोल दिया कि अवैध तरीके से ये कर दिया गया, इसे ऐसे घर उजड़ने को था। तो अगर सरकार काम कर रही होती तो हम आज यहाँ पे क्यों आंदोलन कर रहे होते? कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ही, भारी दबाव के कारण ही वो ये करने का कोशिश कर रही है। इस बच्ची को लाने क्या पर्पस है, क्या मकसद है? पर्पस बस यही है कि हमारा जो अस्तित्व है वो हमें बस वापस कर दीजिए, हमें किसी से कोई विवादित नहीं है, हमें किसी का मानहानि करने से कोई मतलब नहीं हमारे, क्योंकि पूर्वज हम लोग संस्कृति में ही सिखा के भेजे, मिल बांट के रहो, प्राकृतिक सबको संजो, तो हम लोग बस संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है बस हमें वो वापस कर दे, बाकी हमें सिर्फ किसी से कोई गिला सिखवा शिकायत नहीं है जी। तो आपने देखा एक छोटी सी बच्ची अपनी मौसी के साथ आई है, इस आंदोलन में शामिल है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो अगर इसको याद दिलाया जाएगा तो ये याद करेगी, कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि हम झारखंड की अस्मिता, झारखंड की पहचान, झारखंड की आइडेंटिटी के लिए मौजूद थे और उस कड़ाके की धूप और कड़ाके की ठंड के बीच में, और कहीं ना कहीं ये बचाने की भी कोशिश है कि झारखंड का जो आंदोलन है किस तरह से वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये सिर्फ एक गाड़ी के भले सहारे ये लोग बोकारो से रांची और धनबाद से रांची पहुँचे हों, लेकिन ऐसी कई गाड़ियाँ यहाँ आने की कतार में खड़ी हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब भाषा आंदोलन को लेकर सरकार को और गंभीरता के
साथ विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये आंदोलन और वृहत्तर पैमाने पर बढ़ेगा, बड़े एक्सपेंशन होगा इस आंदोलन का, इस एजिटेशन का, लिहाजा सरकार को उस वक्त रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि सोमवार तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके साथ वार्ता करें और इनके जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ वाइस स्कोप के लिए शाहनवाज़।